लुधियाना में 21 वर्षीय युवती के साथ तांत्रिक द्वारा करीब 2 सालों तक रेप करने का मामला सामने आया है। युवती लुधियाना के प्रताप चौकी लाल बिल्डिंग में जमशेद नामक एक तांत्रिक के पास काम करती थी। युवती के मुताबिक 2 साल पहले उसे नौकरी की जरूरत थी, तब उसने अखबार में विज्ञापन देखकर वहां नौकरी के लिए पहुंची, जिसके बाद तांत्रिक ने उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन करीब 3 दिनों बाद तांत्रिक ने उसे प्रपोज कर दिया। तांत्रिक ने युवती से कहा कि वे उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, जिसके बाद युवती ने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद तांत्रिक ने उसे फोन करके कहा कि उससे गलती हो गई है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, वो काम पर वापस आ जाए। कुछ दिनों बाद तांत्रिक ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके कारण वे बेहोश हो गई और उसके बाद तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया। जब उसे होश आया तो तांत्रिक ने उससे कहा कि उसने एक उसका वीडियो बना लिया है, अगर ये बात उसने किसी को बताई तो उस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। और तांत्रिक उसके साथ करीब 2 सालों तक अपनी हवस मिटाता रहा। युवती ने पुलिस के पास शिकायत लेकर गई, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वे पुलिस के आला अधिकारियों के समक्ष पेश हो गई। युवती के बाद जिसके बाद पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सर, 2 साल पहले मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, तो जॉब के मैंने बहुत जॉब ढूंढी, फिर मुझे प्रताप चौक पे जॉब मिली, तो वहाँ पर मुझे जमशेद नाम मल्लिका आदमी मिला, जिसने मुझे 6,500 में जॉब पर रख लिया। और जॉब पर जाने के बाद 2-4 दिन के बाद ही उसने मुझे ऑफर किया और कहने लगा कि आप मुझे अच्छे लगते हो, तो मैंने उसे मना कर दिया। और फिर मैंने बोला मुझे काम नहीं करना, मैं घर चली गई। तो सर ने मुझे 2-4 दिन के बाद फ़ोन करके फिर बोला कि सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, आप काम पर आ जाओ। सर, जब मैं फिर काम पर गई, 2-4 दिन अच्छे से रहे, उसके बाद उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तूने किसी को बताया तो मैंने तेरा वीडियो बनाया है, वायरल कर दूँगा। और उन्होंने मुझे बहुत डराया, गलत काम करने का वीडियो बना लिया था। हाँ जी, और उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया, बोला अगर तूने अपने घर में भी बताया तो मैं तेरी मम्मी डैडी को मरवा दूंगा। इसलिए मैंने डर की वजह से किसी को नहीं बताया और वो 2 साल तक मेरे साथ ऐसे ही गलत काम करते रहे। और उन्होंने 2 साल में मेरा 3 बार अबॉर्शन और बहुत बार मेडिसिन खिलाई है। और फिर अबॉर्शन कहाँ पे करवाया था? अबॉर्शन एक आनंद ज्योत में और 2 जैन कॉलोनी में करवाए थे। फिर उन्होंने मुझे बोला था मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन बाद में शादी नहीं की, उल्टा मुझे जॉब से निकाल दिया और भगा दिया। और मुझे बोला कि अगर तू लुधियाने में रहेगी तो मैं तुझे मरवा दूंगा, तेरी फैमिली को मरवा दूंगा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तू नहीं जानती है। इसलिए मैं इसी डर से मैं बाहर चली गई और मैं वहाँ जॉब करने लगी। वहाँ पर भी मुझे रोज़ फ़ोन करके परेशान करता था, ब्लैकमेल करता था। और मैंने पहले भी 2-3 बार कंप्लेन किया, लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई नहीं किया। और अभी भी मुझे 1.5 महीना लगातार हो गया, यहाँ पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, रोज बुलाती है, गेड़े निकाल के फिर भेज देती है घर पर। FIR दर्ज है, लेकिन पुलिस उसे उठा के नहीं रही। किसके नाम पे FIR दर्ज करवाया? जमशेद मलिक। इसकी ब्रांच कहाँ पे लुधियाना में? इसकी ब्रांच कहाँ पे? जहाँ पे आप जॉब करते थे, कहाँ पे करते थे? प्रताप चौक पर। कितनी ब्रांच है यहाँ पे, कितने ऑफिस? इसके 7 ऑफिस है लुधियाना में, 7ों का मालिक है। हाँ जी। तो अब पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, रोज बुलाती है, पूरा दिन बिठाल के फिर भेज देती है घर पे, बोलती है कल आना, ना उसको उठा रही है, ना कोई कार्रवाई कर रही है, ना मेडिकल हो रहा है, ना बयान हो रहे, कुछ भी नहीं कर रही है, रोज ऐसे बुलाती है। FIR दर्ज कर लिया? FIR तो दर्ज 3 अप्रैल को ही दर्ज हो गई थी, अभी तक भी इतना टाइम लगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला लड़की ने कंप्लेन की सी सी पी साहब को, उदी असी दरियाफ्त करके उदे स्टेटमेंट के उत्ते FIR लॉन्च की है। जो लड़की 2016 के विच तांत्रिक दे कोल बतौर रिसेप्शन काम करती सी, तो उसने उदों कोई नशीली दवाई पिला के ड्रिंक उदे नाल जबरदस्ती रेप करते रहा, तो वह असी FIR नंबर 74-376 IPC दर्ज करके तो पूरे टिकाणिया के उत्ते छापेमारी कर रहे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
कार्रवाई उसकी स्टेटमेंट जी करके एफ आई आर लॉज करके असी उसका मेडिकल लड़की का कराया है वो डॉक्टर की टीम आ सू कल भी थोड़ा मेडिकल होया परसों भी थोड़ा होया कल फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिए बुलाया है मेडिकल करा के बाकी गिरफ्तारी लिए जो भी कुछ भी कर रहे उम्मीद है भी असी डिटेल भी कढ़ाई है जल्दी आ जाऊंगी गिरफ्तार।